गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। आपको दिख रहा होगा जैसे कि मैं तैयार हो गई हूँ हमेशा की तरह। अब मैं व्लॉग ओनली फॉर नहा कर ही चालू करती हूँ, क्योंकि मुझे बिगर ना है व्लॉग चालू करने का मज़ा नहीं आता है। तो मैं अभी रेडी हो गई थी, अब आ जाती है मेरी परफ्यूम की बारी। मैं आप ही के साथ जैसे कि रोज़ परफ्यूम लगाती हूँ, तो मैं जो भी परफ्यूम्स लगाती हूँ वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग्स होते हैं, तो वो तो आप डायरेक्ट निश्चिंत होकर ट्राई कर सकते हो। तो आज मैं लगाने वाली हूँ अजमल का सेक्रीफाइस। यार ये परफ्यूम मैंने बहुत अच्छा खासा लगा दिया, खत्म होने आ गया। कंप्लीट तैयार हो गए, तो कंप्लीट तैयार होके हम कहाँ जाते हैं आपको पता ही होगा। तो हम मंदिर कंप्लीट तैयार होके जाते हैं मंदिर। तो चिकू बाहर आ गए, चिकू वेट कर रहे हैं। तो मैं मेरा दुपट्टा ले लेती हूँ। ये लहंगा मैंने निकाला है, इसका मेंटेनेंस करवाना है, यश की शादी में जो बनवाया था। तो इसकी जो चोली है उससे मैं बोर हो चुकी हूँ, तो मैं सोच रही हूँ अब इसका ब्लाउज बनवा देती हूँ। तो आज अगर टाइम मिला तो लेके जाऊँगी। चलो मंदिर जाते हैं। और सेक्रीफाइस जो परफ्यूम मैंने आपको बताया उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप बाय कर सकते हो। मैं रोज़ कुछ ना कुछ नया बताती रहती हूँ, और मैं जो भी प्रोडक्ट बताती हूँ वो आपको रूबरू पे मिल जाएंगे। आने के बाद मैंने खाना बना दिया है। खाने में यहाँ पर बनाई है दाल, चावल और ये रोटी। तो मैं भर रही हूँ मेरा टिफ़िन, क्योंकि शॉप पे आ गए हैं कस्टमर, और कस्टमर को मैंने कल से बोल रखा है कि मैं 12 बजे आ जाऊँगी। अभी 12 बज के हो गए हैं, 12 बज के 4 मिनट हो गए, मैं मेरा टिफ़िन ही भर रही हूँ। 9 हो गई, चिकू गए हैं अभी अंदर काम से। चिकू जैसे ही बाहर आते हैं तो मैं उनको लेके भाग जाऊँगी। अरे यार वॉच पहननी भूल गई, आज देखा याद आया। मैं भी मेरी वॉच लेनी भूल गई, अभी ब्लॉक कर रही थी तब हाथ में देखा कि वॉच ही नहीं, फुल चार्ज हो गई। चिकू का काम हो गया है, जानवी ने मेरे साथ यानी वो किया था। मैं फिक्स 12 बजते में आ जाऊंगी, वाकई वो 12 बजे आ गई है और मैं लेट हो गई। हाँ तो क्या, शोल्डर भी इतना दुख रहा है, साथ साथ में रेस्ट तो मिल ही नहीं रहा शोल्डर को बिल्कुल भी, सिर्फ आइसिंग ही ऊपर ही है। ये हमारे कस्टमर हमसे पहले आके हमारा वेट करते हैं, फिर डांटते हैं। आई नहीं देख, तो अभी ज़्यादा लेट नहीं हुई मैं तो क्या यार, पर बहुत जल्दी आने की कोशिश की पर नहीं आ पाई यार, किस्मत की आज काम वाली भी नहीं वापस। हाँ आज यहाँ पे भी कोई नहीं है, यहाँ पे भी कोई नहीं, घर पे भी कोई नहीं। ये है आज जानवी के बाल, अब इस पे करेंगे हम हेयर स्पा। हेयर स्पा में हम यूज करने वाले हैं कार की बोतल, मैंने आज हम केडी व्यू का हेयर स्पा करेंगे जानवी के ऊपर। तो अभी फर्स्ट हेयर वॉश होगा, यहाँ पर जानवी का हेयर स्पा हो रहा है, और यहाँ पे अंजलि आ गई है मेरे साथ लंच करने के लिए, क्योंकि मैं भी आज टिफ़िन लेके आई हूँ, ये मैडम भी टिफ़िन लेके आए। ये मैम फ़िलहाल हमारे यहाँ ऋषभ देव में बैंक में जॉब कर रहे हैं, तो हम दोनों रोज मिलेंगे। तो हम दोनों स्कूल की यादें ताज़ा करते हुए भी खाना खाने बैठेंगे, दोनों टिफ़िन शेयर करेंगे। क्या लेके आई है तू? यार आज मेरी फेवरेट सब्जी नहीं है। क्या है? गवारों की फली। चलो हो गया, अंजलि जा चुकी है, और जाने के बाद जानवी को भी जल्दी थी, तो जानवी का भी कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हो कितना जोरदार बालों में रिजल्ट आया है। कैसे लग रहे थे वो बाल? बहुत अच्छे। मैं जैसे ही काम से फ्री हुई और चिकू अंदर आए, मैंने देखा बाहर कितनी बारिश हो रही है, चिकू भीग के आए थे पूरे, अभी तो सूख गए बिन मौसम बारिश। एक साल पहले यश की शादी थी तब तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी, और अभी बिल्कुल मौसम बाहर का ठंडा हो गया। मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। चिकू मेरा कुछ काम कर रहे हैं, पूरा रोड भीग गया है, इतनी बारिश हुई है। सभी को हमने विश किया है और अब हम जा रहे हैं घर पे।
पूर्वी दूर है यार, अपने तो पूर्वी की पार्टी में जाते हैं, बर्थडे पार्टी में जाते हैं, उच्ची को भी आ गए लेने के लिए, अब घर पे चलते हैं। और मैं टिफिन लाना भूल गई, मैं जो टिफिन लेके आई थी वो भूल गई, पर पीछे भी बंद हो गया है, चलो कोई निकल ले जाऊंगी। बहुत सुंदर सी शाम है, कहाँ जा रहा है? तो जाओ, मैं देख रहा हूँ। किसके? आपके? यहाँ पे स्क्रैच लग गया था। स्क्रैच थोड़ी नहीं है, स्टिकर। अच्छा, ये तो स्टिकर, मैं समझी यहाँ पे स्क्रैच लगा था ना। हल दोनों तरफ अब उछकर है, मेरे को एक तरफ का उछकर ना दो ना। मैं क्या समझा था, ये पूरा इसके साथ ही। अच्छा, मैं इतर भी उतर जाएगा, यूं कब से फिर रहने दिया था। अच्छा। अभी दिखा है सिस्टम तो कुछ और ही है, मेरे को ध्यान से ये सिस्टम जोरदार लगता है, ये वाला लुकिंग पूरी इसकी बढ़ा देता है, ये सबका अलग अलग व्यू है। घर पे आ गई हूँ, अब खाने की तैयारी करती हूँ। यार क्या बनाऊँ, सब्जी भी कुछ है नहीं। मम्मी से पूछती हूँ, चिकू से पूछती हूँ, सब जन से पूछ लेते हैं तो एक बार अपन थोड़े शॉर्ट हो जाते हैं कि खाना क्या बनाना है। सोच सोच के खाना क्या बनाना है। फिर एक बार तो डिमांड आई कि दाल ढोकली बनाते हैं, और फिर पापा की डिमांड आई कि आज पकौड़ी बनाते हैं। बारिश वाला मौसम हो रहा है तो पकौड़ी तो ज़बरदस्ती लगती है, तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ आलू के पकौड़े। बहुत यम यम, क्रिस्पी, जिसको भी खाने हैं बोलो। और साथ साथ में मैं भी इक्का दुक्का खा रही हूँ। खाना हो गया है, खाने में तो सिर्फ पकौड़ियाँ ही बनाई थी, और मम्मी पापा के लिए दलिया बनाया था मम्मी ने, क्योंकि मेरा और चिको का तो हमेशा क्या रहता है ना, पकौड़ी खाते तो कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है, फिर सिर्फ अभी तो पकौड़ी खा के मस्त टन हो गए, पूरा पेट फुल हो गया है, और मौसम भी इतना मस्त था ना, पकौड़ी खाने का मज़ा ही आ गया। और बस यहीं तक व्लॉग आपको देखने के बाद अच्छा लग गया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, मिलते हैं कल के अच्छे से व्लॉग में, बाय।